कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने आने वाले शहरी गंदगी और तहफ़ुन से परेशान हैं। इंतजामिया की जानिब से शहरियों के लिए मौसर इकदाम मौजूद नहीं है। मजीद जान लेते हैं बोली उसके नुमाइंदे कामरान मिन्हा से। कामरान बताइएगा क्या कहते हैं शहरी। बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ मराकज पर जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन की लगाए जाने का सिलसिला जारी है। मैं सब मौजूद हूँ मटके वाली पुलिया खुरंगी में, जहाँ पर एक सरकारी अस्पताल को भी मरकज़ बनाया गया है कोरोना वैक्सीन के हवाले से। यहाँ पर भी जो है वैक्सीन का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन शहरियों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर इस अस्पताल के सामने एक बिल्कुल सामने नाला है, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उनको नाले के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं जो लंबी कतार में खड़े हुए, उनसे बात करते हैं। उनका क्या कहना है सर, बताइएगा क्या कहेंगे, क्या सहूलियातें और क्या मुश्किल है? मुश्किल यही है कि 6-6 बजे से लोग आए हुए हैं, 4-4 बजे से लोग आए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। इसमें यही है कि कुछ लोग बगैर लाइन के चले जाते हैं, उनमें बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। जो जब हमारा नंबर आता है तो जब तक कहते हैं कि सारी वैक्सीन ख़त्म हो चुकी हैं। कल भी हम 4 बजे आए और शाम 6 बजे तक नंबर जब आया तो फिर पता चला कि वैक्सीन ख़त्म हो गई है। माशाल्लाह ये सेंटर पॉइंट थोड़े बढ़ा रहे हैं, इस वजह से सहूलत है आवाम को। जैसे सिर्फ एक्सपो सेंटर में लग रहा था तो आवाम को बड़ी तकलीफ हो रही थी। पूरे कराची में अच्छे अच्छे पॉइंट बनाए हुए, कुछ सोसाइटीज़ वगैरह में भी अब बाकायदा टीम जा रही है लगाने के लिए, इससे काफ़ी सहूलत है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि शहरी जो है उनका कहना है कि जो मराकज बढ़ गए उससे यकीनी सहूलत मिल रही है शहरियों को, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से कोरोना वायरस फैलने के खतरा आगाह किया। बहुत शुक्रिया।